ये कहानी, ये पाठ हमें ये सिखाता है कि जो सरकारी अफसर होते हैं, वो छोटे लोगों की या फिर गरीब लोगों की आवाज को दबाते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं, उनकी तरफदारी में जुट जाते हैं। बहुत अच्छे वरदान, बहुत अच्छे मिले, ये थम्स अप वरदान के लिए। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। देखिए तो पाठ पांच जो गिरगिट है वो हमें क्या सीख दे रहा है, हमें क्या बता रहा है। तो पाठ पांच एक गिरगिट की कहानी और एक इंस्पेक्टर की ऐसी कहानी है। एक सरकारी इंस्पेक्टर जो है वो सरकारी व्यवस्था को दर्शा रहे हैं जो कि गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। यहाँ पर गरीब कौन है? यूक्रेन, जिसकी उंगली काट खाई है, ठीक है। उसको वो अंत में बड़ा भोला कहते हैं कि तुम ही ने ये अपराध किया होगा, तुम ही ने कुत्ते को तंग किया होगा, तुम ही ने जलती हुई सिगरेट उसकी नाक में लगा दी होगी, तभी तुमने उसने तुम्हें काटा है। और बड़े लोग कौन है? नवाब साहब के भाई, ठीक है। तो बड़े लोगों के तलवे चाटते हुए दिखते हैं इंस्पेक्टर, क्योंकि जब उन्हें पता लगता है कि कुत्ता बड़े साहब का है तो वो उसको सुंदर डॉगी कह के पुकारते हैं, ठीक है। तो ये पाठ हमें सीख दे रहा है कि सरकारी व्यवस्था जो है वो आजकल बड़े लोगों के तलवे चाट रहे हैं, बड़े लोगों का साथ दे रहे हैं, और जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, पाठ पांच अच्छे से पढ़ना है। इसके शब्दार्थ, पहला प्रश्न आपको शब्दार्थ ही आएगा, ठीक है, अर्थ और वाक्य बनाने को, ठीक है। तो शब्दार्थ आपको इस पाठ से दो या तीन शब्दार्थ आएंगे, तो अच्छे से याद करने हैं, तीन या चार भी आ सकते हैं, अर्थ और वाक्य सहित अच्छे से याद करेंगे। साथ में इसकी जो अभ्यास है, अभ्यास एक, वो भी आपने याद करनी है साहित्य भाग में, ठीक है। तो अभ्यास एक में प्रश्न एक है, चलिए मुझे अरुषि बताएगी, ओचुमलाव और एल्ड्रिन कौन थे पाठ में? अरुषि, अरुषि ओचुमलाव और एल्ड्रिन कौन थे पाठ में? अरुषि मैम आंसर करिए। हाँ मैम औचुमिला और एल्ड्रिनी, एल्ग्रीनी, एल्ड्रिन थे। हाँ एल्ग्रीनी मैम मेरा ओचुमिलाव आइडिया और एल्ड्रिन कौन थे पार्ट व्यापारी था। मैम औचुमिला व्यापारी था। व्यापारी था बेटे, रिंकू कहानी का साथ भी बता दिया। मैम कैन आई टेल, हाँ बहुत अच्छे। अरुषि ध्यान नहीं है आपका? अरुषि एक बार पाठ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो औचुमिलाव थे वो पाठ में पुलिस इंस्पेक्टर थे, ठीक है। जो औचुमिलाव है वो पाठ में पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और जो एल्दीन है वो पाठ में सिपाही हैं। हाँ सिपाही हैं, ठीक है। औचुमिलाव पुलिस इंस्पेक्टर और एल्दिरिन जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर के सिपाही, दोनों इकट्ठे चले हुए हैं, एक इंस्पेक्टर है एक सिपाही है, ठीक है। अरुषि ध्यान रखेंगे, व्यापारी नहीं है, ठीक है, याद रहेगा अरुषि। मैम हमें शब्दार्थ भी लर्न यस करने हैं, मैम, हाँ हम उसके शब्द भी अर्थ और करवाओगे। वाक्य, हाँ शब्द अर्थ और वाक्य। सेजल बताएगी, ओचो मेला क्या सुनकर रुक गया और जो सेजल? मिला आवाज हाँ ओचुमिलाव एक आवाज सुनकर रुक गया। ओचुमिलाव को कहीं से आवाज आ रही थी, वो चरावे पर जा रहे थे, तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी और उसी आवाज को सुनकर वो रुक गए, ठीक है। रीमर बताएगी, भीड़ काठ गोदाम को घेर कर क्यों खड़ी हो गई थी? यस मैम, ताकि यूक्रेन की कुत्ते ने उंगली काट खाई थी, इसीलिए मैम भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी थी। हाँ, एक जो बटन भी बास्केट धारण किए हुए ग्रीन जो था वो वहां खड़ा हुआ था, उसकी उंगली जो थी वो कुत्ते ने काट खाई थी, जो लहूलुहान थी, इसलिए वो अपनी लहूलुहान उंगली को सभी को दिखा रहा था, ठीक है। उसी को देखने के लिए भीड़ जो थी वो काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। काठ गोदाम क्या होता है? निवेदिता जग्गी बताएगी, काठ गोदाम। काठ गोदाम क्या होता है, कौन बताएगा?
वरदान। हाँ बोलो मैम। जहाँ लकड़ियों का काम होता है, काठ गोदाम, लकड़ियों का गोदाम, काठ, काठ क्या होता है, काठी लकड़ी है ना, गोदाम होता है जहां पर वो इकट्ठी रखी जाती है। बैठ बेटे थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो काठ गोदाम, लकड़ियों का गोदाम, तो वहां पर भीड़ जो क्यूक्रेन जो था वो वहां से लकड़ी ही लेने गया था। ठीक है, तो काठ गोदाम को घेरे क्यों खड़ी थी, क्योंकि वहां पर जो वो क्यूक्रेन था वो अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था सभी को, क्योंकि वो कुत्ते ने काठ खाई थी। ठीक है, इसीलिए वहां पर भीड़ जो थी वो इकट्ठा हो गई थी। चलिए मुझे प्रिया बताएगी, क्यूक्रेन ने कुत्ते पर क्या आरोप लगाया। क्यूक्रेन ने कुत्ते पर आरोप लगाया कि इसने उंगली काट खाई है। क्योंकि उसने आरोप लगाया कि कुत्ते ने उसकी उंगली काट खाई है। बहुत अच्छे आरोप। आप बताइए 1687, कुत्ता जनन का नहीं, ये देखकर ओचुमिलाव ने क्या किया। Yes, ma'am, ma'am, repeat. कुत्ता जनरल का नहीं है, यह सोचकर ओचुमिलाव ने क्या किया। मैम कुत्ता जनरल का नहीं है यह सोचकर ओचुमिलाव ने कहा, यह तो बहुत भद्दा कुत्ता है। हाँ ये बहुत भद्दा कुत्ता है। हाँ बहुत अच्छे, और इसके मालिक को सबक सिखाना जरूरी है। इसके मालिक मैम वह उसके मालिक को सबक सिखा कर ही रहेगा। हाँ, क्योंकि ऐसे आवारा छोड़ने कुत्ते को आवारा नहीं छोड़ना। मैम वो इस कुत्ते को आवारा छोड़ने का अंजाम चुका। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। तो क्या करना है, आपने अभ्यास एक अच्छे से याद करनी है, और ऑब्जर्वेशन में भी पार्ट पांच के प्रश्न जो है 1 से 10 तक दिए गए हैं, जिसमें 1 से 5 या 4 तक आपके साहित्य के हैं, बाकी आपके व्याकरण भाग के प्रश्न है वो भी अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, और इसके शब्दार्थ भी देख लेंगे बच्चों, और वाक्य वाक्य खुद बनाना सीखेंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, और ऐसे वाक्य बनाने हैं जो सुनने में अच्छे लगे। ठीक है, ऐसे नहीं, आपने वाक्य जब बनाएंगे तो वाक्य में शब्द लिखना है ना कि अर्थ। ठीक है, और अर्थ लिखना जरूरी है। जी बोलेंगे मैम, ऑब्जर्वेशन के भी आएंगे। ऑब्जर्वेशन बोला मैंने 1 से 10 तक, हर पार्ट में 1 से 10 तक। ठीक है, अब इसी पार्ट में देखिए, आपका जो साप्ताहिक परीक्षा है शनिवार को होगी, उसमें आपको पार्ट 5 और 6 का टेस्ट होगा। ठीक है, कल आप मुझे जो है, जैसे क्लास शुरू होगी तो पहले 10 मिनट जो है वो पार्ट 5 का ओरल टेस्ट देंगे। ठीक है, तो पार्ट 5 में से आपको शब्द, अर्थ, वाक्य, ठीक है, प्रश्न उत्तर अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, व्याकरण भाग में है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम, तो सर्वनाम होते क्या है, रोहन बताएगा। रोहन सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम क्या चीज है, व्याकरण भाग में सर्वनाम क्या होता है बताइए बेटा। सर्वनाम मैम क्या बेटा, रोहन बता रहा है, आंसर करिए रोहन, आंसर करिए रोहन बता रहा है, रोहन बोलिए सर्वनाम। प्रियांशी आप बोलो, प्रियांशी 1561। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत अच्छे, अब जो संज्ञा शब्दों के जगह प्रयोग होते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उनको हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का शॉर्ट में हम अर्थ भी लिख सकते हैं सबका नाम, सब नामों की जगह जो प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम। जैसे अरुषि हो गया, आप देखिए क्लास में आपकी कक्षा में 76 बच्चे हैं, तो उनकी जगह देखो सबका नाम, सब नामों की जगह बोलूंगी ये बच्चे। ठीक है, तो क्या आ गया सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ हम शॉर्ट में बोल सकते हैं सबका नाम, हर नाम की जगह जो प्रयोग होते हैं वो सबका नाम। तो इसका प्रयोग जो है वो संजीव और निर्जीव सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हर जगह जो है वो उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पता है संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, कोई भी वस्तु,
ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, तो हर जगह जो है संज्ञा शब्द जो है उनकी जगह जो प्रयोग होते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं, क्षितिज बताएगा 1553। क्षितिज, क्षितिज आंसर करिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? कृतिका आप बताइए, कृतिका। मैम छह। मैम छह। बहुत अच्छे, सर्वनाम के छह भेद हैं, बहुत अच्छे छह भेद हैं। तो पहला भेद आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद हैं, बहुत अच्छे कृतिका, बहुत अच्छे। तो पुरुषवाचक के भी हमारे तीन भेद हैं, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो बोलने वाला है, ठीक है, वो क्या आ गया उत्तम पुरुष, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं क्या आ गया उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप क्या आ गया मध्यम पुरुष। ठीक है, क्या सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जिसके विषय में बात की जा रही है, वो क्या आ गया अन्य पुरुष। ठीक है मैम, में सर्वनाम की भी परिभाषा आएगी। हाँ, याद रखेंगे बेटे, याद होगी तो आपको उदाहरण भी आ जाएंगे, समझ भी आएगा। ठीक है, तो हर एक चीज याद रखनी है। ठीक है, तो पुरुषवाचक के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या है, जिसके विषय में बोला जा रहा है, मध्यम पुरुष जिसको उत्तम पुरुष सुनने वाला, नहीं कहने वाला, ठीक है, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जा रही है। ठीक है, तो पुरुषवाचक के आप में भेद भी आगे पता होने चाहिए, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक जिसमें निश्चित वस्तु का पता हो, ठीक है, निश्चित वस्तु का पता हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण आ गया, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। ठीक है, वे, ये फूल बहुत सुंदर है, ये फूल बहुत सुंदर है, ये हमारे घर आए हैं। ठीक है, हमें पता है, जिस बात का हमें पता है उसको बोलेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, अब निश्चय का विलोम क्या आ गया, अनिश्चय। ठीक है, अनिश्चय जिसमें वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो, जैसे कोई कुछ, जैसे कोई घर में आया है, कोई बाहर आया है, ठीक है, वह पत्थर किसका है, खीर में कुछ गिर गया है, ठीक है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ पर कोई कुछ कौन बीच, हम जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कौन से, जिन सर्वनामों में का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसका, कैसे, ये नाम। अब संबंधवाचक, संबंधवाचक जिसमें वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करे, ठीक है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जिसका घर दूर है उसका नाम बताओ, तो जिसका, उसका, जैसे, वैसे, जो, वह, ये क्या आ गया हमारे संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों को, उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अब हमारा है एक और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाए वो निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों सर्वनाम के हमारे छह भेद हैं, अच्छे से परिभाषा सहित आपने याद करने हैं। और इसमें एक और चीज याद करेंगे, सर्वनाम शब्दों पे बहुवचन। ठीक है, जैसे सेजल मुझे बताएगी, सेजल 2001, चलिए शिवांशी आप बताइए। Yes. शिवांशी, हाँ yes. शिवांशी मुझे बताएगी, तेरे लिए, तेरे लिए का बहुवचन क्या होगा बेटे, तुम्हारे लिए, तेरे लिए, तेरे का बहुवचन क्या होगा, मैम आपके लिए, मैम आपके लिए,
आपके लिए करना है, रिस्पेक्ट देनी है किसी को, तो मैं बोलूंगी तेरे लिए तुम, तो ये अच्छा नहीं ना लगता है? ठीक है, तो हम रिस्पेक्ट देने के लिए करेंगे आपके लिए आप, ठीक है, तुम की, तू की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका। आप क्या है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किस में करते हैं, हमें किसी को रिस्पेक्ट, किसी बड़े को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, तो हम आपका प्रयोग करते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए सर्वनाम में, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वे मेरे माता जी हैं, वे मेरे माता जी हैं, इन हम क्या कह रहे हैं, माता जी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वह की जगह क्या लगा रहे हैं, वे, हम ये नहीं बोलेंगे वह मेरी माता जी है, हम क्या बोलेंगे, वे मेरी माता जी है। ठीक है, तेरा की जगह आपका, तेरी, आपकी, उसने, उनसे, उससे, उनसे, उसके द्वारा, उनके द्वारा, तेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, ठीक है, उसमें, उनमें, उस पर, उन पर, वह, वे आ गया, उसने, उन्होंने, मुझे, हमें, मुझको, हमको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सारे ही सर्वनाम शब्दों के आपको बहुवचन बनाने आने चाहिए। ठीक है, कर लेंगे? Yes, sir. चलो बेटे, देखिए हमारा पार्ट पांच का यूटी भी हो चुका है, हमने इसका रिवीजन भी किया था, साप्ताहिक परीक्षा भी हो चुकी है आपकी, तो आपने एक बार फिर इस पार्ट को अच्छे से याद करना है और कल इसका टेस्ट देना है। तो टेस्ट में आप क्या क्या याद करेंगे, पार्ट पांच के शब्दार्थ, अभ्यास ए, अभ्यास दो, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम भेदों की परिभाषा, उदाहरण, बहुवचन बनाने आने चाहिए, और ऑब्जर्वेशन बुक में 1 से 10 तक प्रश्न। ठीक है, चलिए, किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो बताएंगे, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए। मैम कल हमारा ओरल टेस्ट होगा। हाँ, पहले ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, 10-20 मिनट जो है क्लास शुरू होने से पहले, क्लास जब हमारी शुरू होगी तो हम क्या करेंगे, इसका पहले ओरल टेस्ट देंगे, उसके बाद पार्ट 6 की दोहराई करेंगे। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो बताएंगे, कुछ पूछना है तो बोलिए। समझ आया है पाठ? वरदान समझ आया है? वरदान ने तो बहुत अच्छा सार बताया। चलिए, इसका मतलब है साहित्य भाग वरदान को अच्छे से आता है, और व्याकरण भाग? मैम व्याकरण भाग भी अच्छे से आता है। चलिए, तो इस बार जो आपके यूटी है, जो आपकी द्वितीय सत्र परीक्षा है, वो आपके स्कूल में है। ठीक है, स्कूल में है तो अच्छे से याद करके आना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपने परिभाषा, बहुवचन। ठीक है, आपको पहचान चाहिए कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम का भेद है। जैसे मैं बोलूं कुछ कुछ, तो किस सर्वनाम का भेद है, कौन बताएगा? कुछ कौन से सर्वनाम का भेद है यहाँ क्लास में? सर्वनाम गिरा क्या है, तो मैं इस चीज के बारे में निश्चित नहीं हूँ, तो ये क्या बना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अब बताएंगे, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, तुम्हारा नया घर कैसा है? अंशिका बताइए, तुम्हारा नया घर कैसा है, कौन सा सर्वनाम है? मैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, अंशिका ने नहीं बताया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तुम्हारा नया घर कैसा है, तो कैसा क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए मुझे बताएंगे, मुस्कान, मुस्कान बताएगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मुस्कान कौन सा सर्वनाम है? दो मुस्कान के क्लास में, कैन आई, मैम कैन आई,
हाँ बोलिए मैम। संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा और वैसा क्या है? दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, संबंध बना रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा बना हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब बताएंगे मयंक। मयंक बताइए। मैं पढ़ने के बाद मैदान में खेलने जाता हूँ। कौन सा सर्वनाम का भेद है? मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं पढ़ने के बाद मैदान में खेलने जाता हूँ। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैम कैन आई टेल? बोलो रिमर्स। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? प्रिया बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है हमारा, ठीक है, आगे है। उसका भाई क्रिकेट का खिलाड़ी है। उसका भाई पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम? पुरुषवाचक कौन सा है? मैम अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे नव्या बताएगी मुझे। नव्या, वे हमारे घर आए हैं। वे हमारे घर आए हैं। कौन सा सर्वनाम है? नव्या को बताने दो। नव्या आंसर करिए। वे हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। वे हमारे घर आए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और वह जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, ठीक है। तो ये दो तरह के भेद हो गए। वह जो है, वे जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, और निश्चयवाचक पुरुषवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम में भी। तो आप पांच जो है वो एक बार फिर से पढ़ लेना है। किसी को कोई डाउट है तो क्लास में पूछ लेंगे, और कल आप ओरल टेस्ट दे देंगे। फिर जो आपकी शनिवार की साप्ताहिक परीक्षा होगी उसमें आपका पार्ट पांच और पार्ट छह का टेस्ट होगा, ठीक है। पार्ट छह की दोहराई हम कल करेंगे। पार्ट छह में हम करेंगे मेट्रो दिल्ली की रेल यात्रा, ठीक है। इसमें जो व्याकरण भाग है वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे बताएंगे वरदान। वरदान सृष्टि का अर्थ और वाक्य बताइए। सृष्टि का अर्थ और वाक्य। मैम सृष्टि का अर्थ होता है जगत या संसार। वाक्य और मैम इंसान सृष्टि को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इंसान सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहा है, या ऐसे लिख सकते हैं हमारी सृष्टि गोल है, हमारी सृष्टि बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। बहुत सुंदर वरदान, बहुत अच्छे। चलिए सूर्यांश राणा आप बताइए। सूर्यांश राणा। यस मैम। किसम। किसम किसम का अर्थ और वाक्य। मैम किसम किसम का अर्थ और वाक्य बताइए। मैम कैनाई। मैम कैनाई। सूर्यांश राणा बताएगा।
मैम भेद, हाँ भेद या प्रकार, बहुत अच्छे। वाक्य क्या बनेगा? मैम हमें किसी का किस्म नहीं कर, मैम हमें किसी का भेद नहीं करना चाहिए। तो बेटे जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में अर्थ प्रयोग नहीं करते, वहां पर हम केवल शब्द लिखते हैं। अगर ऐसे शब्द बनाओ, ऐसे वाक्य बनाओगे तो वाक्य अच्छा नहीं बना। कौन बनाएगा वाक्य? मैम किसी का कौन बनाएगा? हमारे देश में कई किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं। क्या पांच किस्म है? हाँ बात अच्छे। कृतिका, कृतिका क्या वाक्य बना रही है? मैम सर्वनाम के छह किस्म के भेद हैं। बहुत अच्छे कृतिका, सर्वनाम के छह किस्म के भेद हैं, बहुत अच्छे। अंशिका क्या वाक्य बना रही है? मैम ये मैम बताया था। मैम पक्षी बहुत किस्म के होते हैं। बहुत अच्छे पक्षी बहुत किस्म के होते हैं। अंशिका क्या वाक्य बना रही है? अंशिका की दुकान में कई किस्म की चीजें हैं, है ना? अंशिका दुकान में बैठी है ना, तो अंशिका की दुकान में कई किस्म की चीजें रखी हुई है। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो हैं वो अपने अर्थ सहित जो हैं वो बनाने हैं। और जब भी वाक्य बनाओगे, वाक्य में केवल शब्द लिखना है, ना कि अर्थ, ठीक है? तो पहला प्रश्न अर्थ वाक्य आएगा। तो सभी ने, बच्चों ने पार्ट पांच के अर्थ वाक्य अच्छे से याद करने हैं, ठीक है? मैम फल कई किस्म के होते हैं। हाँ फल कई किस्म के होते हैं, बहुत अच्छे कृतिका। हम यहाँ बहुत किस्म के फूल खिले हैं, बहुत अच्छे। अब अगला है इल्म। इल्म, इल्म का अर्थ वाक्य बना दो। मैम इल्म ज्ञान, ज्ञान जानकारी, ज्ञान ज्ञान। वाक्य, मुझे हिंदी के बारे में बहुत इलम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो इलम है हिंदी का, जैसे इलम है।